हम गुणा के सवाल सीखेंगे, ठीक है। पांच पांच पचपन में पांच का गुणा करना है, ठीक है। तो हमें पांच का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, इसमें भी करना है गुणा और इसमें भी करना है। तो पांच का गुणा पांच में करेंगे, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांच चौक बीस, पचम पच्चीस। तो ये पच्चीस आया, तो ये पच्चीस आया ना, तो पच्चीस में इकाई का अंक तो यहाँ लिखते हैं और ढाई की आंचे ऊपर लगाते हैं दो, ठीक है। फिर पांच का पहाड़ा, फिर पांच बार पचम पच्चीस, ठीक है। पच्चीस में दो जोड़ देते हैं, पच्चीस और दो सत्ताईस, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा है, आप लोग सब लोग समझते जाना, तैतालीस में हम सात का गुणा करेंगे, तो क्या कैसे करेंगे। तैतालीस में सात का, तैतालीस का पहाड़ा आता नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, सात का पहाड़ा तीन बार पढ़ना है। सात एकम सात, सात दूनी चौदह, सात तीन इक्कीस। तो ये इक्कीस आया, तो इक्कीस में इकाई का अंक तो यहाँ पे लिख देते हैं एक, और ये बची दो, दो हाथ से ऊपर, ठीक है। सात का गुणा चार में करेंगे, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस में दो जोड़े तो तीस, ठीक है। फिर तीसरा, उन्तीस गुणा आठ, उन्तीस में आठ का गुणा करना है। आठ का पहाड़ा नौ बार पढ़ो, ठीक है। आठ एकम आठ, दूनी सोलह, आठ तीन चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ पंद्रह चालीस, आठ तीन अड़तालीस, अठ सत छप्पन, अठ अठू चौसठ, आठ नौ बहत्तर, ठीक है। ये आया बहत्तर, तो बहत्तर में इकाई का अंक दो है, तो दो यहाँ लिखेंगे और सात हासिल हो जाएगी। तो आठ दूनी सोलह, सोलह में सात जोड़ा, सोलह और सात तेईस, तो ये तेईस हो गया। सत्तावन गुणा छह करना है, ठीक है। सत्तावन गुणा छह करना है हमें, तो छह का पहाड़ा हमें सात बार पढ़ना है। छह सत्ते बयालीस, ठीक है। बयालीस यहाँ पे देख लो, बयालीस में दो तो यहाँ आ गए, ठीक है, और चार हासिल हो गए। पांच का तीस, तीस और चार चौतीस, ठीक है। तो इसी तरह से और सवाल बता रहा हूं मैं आपको। सात पिचहत्तर गुणा छह, पिचहत्तर गुणा छह, ठीक है। अब हमें पिचहत्तर में छह का गुणा करना है, तो हमें पिचहत्तर का पहाड़ा याद हो तो ये हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, पिचहत्तर में छह का गुणा करने के लिए अलग अलग संख्या, पहले छह का गुणा पांच में करेंगे, फिर छह का गुणा सात में करेंगे। तो छह पंजे तीस, ठीक है। तीस में इकाई का अंक जीरो है, तो जीरो यहां आ गया और तीन हासिल। छह सत्ते बयालीस, बयालीस और तीन पैतालीस, जोड़ देते हैं हासिल को, ठीक है। हासिल को हमेशा जोड़ देते हैं। फिर है छियासी गुणा चार, तो इसमें क्या करना है हमें, चार का पहाड़ा छह बार पढ़ना है। पहले चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तीन बारह, चार चौक सोलह, चार पंच बीस, चार छह चौबीस। चौबीस में चार तो यहां पे आ गया, ठीक है, चार यहाँ आ गया, ठीक है, और दो हासिल लग गई, ठीक है। दो हासिल, चार अठे बत्तीस, बत्तीस और दो चौतीस, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। फिर एक और सवाल करते हैं। सड़सठ गुणा सात करना है, तो अब हमें सड़सठ गुणा सात में कैसे करना है, सात का पहाड़ा सात बार पढ़ना है, फिर सात का गुणा छह में करना है। सत्तू सत्तू उनचास, ठीक है, उनचास, उनचास में इकाई का अंक क्या है, नौ, फिर चार हासिल, हासिल को जोड़ देना है जो गुणनफल आए। सात छह बयालीस, बयालीस में चार जोड़ा छियालीस, अट्ठानबे गुणा सात, तो अट्ठू सत्तू सात का गुणा आठ बार पढ़ना है। सत्तू अट्ठू छप्पन, ठीक है, छप्पन ऐसे लिखते हैं। फिर इकाई का अंक यहाँ छह आ जाएंगे, फिर सात का गुणा नौ में करना है। सात नाम तिरसठ, तिरसठ में हासिल कितनी जोड़ी हमने, पांच, तिरसठ और पांच अड़सठ, ठीक है। तो इस तरह से आपको गुणा करने हैं। धन्यवाद।